1986 में हाईजैक प्लेन से 360 यात्रियों को सुरक्षित जिंदगी बचाने वाली अशोक चक्र से सम्मानित एयर होस्टेस नीलजा भनोट की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें कैंडल जलाकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। महानगर के चेतना तिराहे पर आजाद हिंद चेतना मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 3 महिलाओं को नीलजा भनोट वीरांगना सम्मान से सम्मानित किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंच के संयोजक रघुवंश हिंदू ने बताया। वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे भारत की बेटी नीरजा भनोट, अमर रहे अमर रहे। भारत की बेटी नीरजा भनोट, अमर रहे अमर रहे। माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं तो यही सोच रही हूँ। रघुवंश सिंधु आजाद हिंद चेतना मंच और विश्व का सबसे लंबा तिरंगा कार्यक्रम के संयोजक हैं। आज नीरजा भनोट जो भारत की ऐसी महिला हैं, पहली महिला कह सकते हैं हम इनको, जिनको भारत, पाकिस्तान और अमेरिका तीनों देश ने सम्मानित किया था, क्योंकि 1986 में जब प्लेन हाईजैक हुआ था जिसे लाहौर में ले जाकर के आतंकवादियों ने रोका था, उस प्लेन हाईजैक करने में 380 यात्रियों का जान खतरे में था। आतंकवादियों ने पाकिस्तान सरकार से पायलट की मांग की, पायलट पाकिस्तान सरकार ने देने से मना कर दिया। आतंकवादियों ने कहा कि एक को हम गोलियों से भून देंगे, लेकिन नीरजा भनोट जो भारत की महिला थी और एयर होस्टेस थी, दुबली पतली थी, उस महिला ने सोचा कि अगर मेरी कुर्बानी के बाद इन 380 यात्रियों का जान बच सकता है तो हमें ये कुर्बानी देना चाहिए। वह उसने जो है कि उस जहाज़ को वाच किया तो देखा कि 2 घंटे का उस जहाज़ में तेल था और 2 घंटे तक मुझे उलझाना है इन लोगों को, और उसने पहले सारे आतंकवादियों को खाना परसने का काम किया और 2 घंटे तक उलझाए रखा। जो हवाई जहाज़ में तेल ख़त्म हुआ, पूरे जहाज़ में जो है कि अंधेरा छा गया, लाइट वाइट गुम हो गई, और उसके बाद उसने इमरजेंसी दरवाज़ा खोल करके पहले ही धीरे धीरे समझा रखा था यात्रियों को, खोल करके सबको निकाल दिया। लेकिन एक बड़े दुर्भाग्य की बात कहेंगे और नीरजा भनोट के लिए, हमारे लिए, हमारे देश के लिए सौभाग्य की भी बात कहेंगे कि जाते समय वो भी निकल चुकी थी, लेकिन एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। दूसरा कोई होता, कोई भी व्यक्ति, हमें लगता है सिंगल व्यक्ति अगर कोई होता तो निकल जाता अपना जान बचा करके, लेकिन उसने सोचा कि नहीं, बच्चे को हम या तो निकाल लेंगे नहीं तो खुद मरेंगे। और वो जब अंदर गई तो आतंकवादियों ने इसे घेर लिया। नीरजा भनोट ने इमरजेंसी दरवाजे से उस बच्चे को बाहर की तरफ फेंक दिया और नीचे जो जनता थी, जो उसमें से निकली थी, जनता ने बच्चे को पकड़ लिया और बच्चा बच गया। लेकिन आतंकवादियों ने गोलियों से इनको 200 गोलियां मारी, नीरजा भनोट को, ऐसी महान महिला को, भारत में सेना के बाहर की ऐसे अशोक चक्र सम्मान करने वाली भारत की पहली महिला। पाकिस्तान ने तमगाए पाकिस्तान, और अमेरिका में जो सर्वोच्च सम्मान क्राइम रिपोर्ट का होता है, सर्वोच्च सम्मान दिया, ये दुनिया की पहली ऐसी महिला है जो एक कार्य के लिए 3 देशों ने, टॉप क्लास के देशों ने सम्मान दिया ऐसी महिला को। हम नवरात्र के इस पावन पर्व पर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और उसी के लिए जो गोरखपुर में जिन महिलाओं ने, जैसे देखिए यहाँ पर शांति भवानी जो हैं, यहाँ पर पूरे शहर में विशेष रूप से नारी शक्ति का एक पर्याय बनती जा रही हैं, पूरी ताकत का, उनको सम्मानित करने का हम लोगों ने काम किया है नारी शक्ति के लिए। नीरजा भनोट नारी शक्ति सम्मान, यहाँ कंचन जी को सम्मानित करें और सुमन श्रीवास्तव को सम्मानित करने का काम किया है।